सबसे पहला काम करते हैं, पी लेते हैं चाय। फेमस गंगा ढाबा जो है वो फिर से ओपन हो चुका है। कोविड के टाइम पे भाई यही ड्रामा चल रहा है, कभी ओपन और कभी क्लोज, मगर अभी फिलहाल ओपन हो चुका है। क्या चाय मिलेगी भैया? हाँ चलो दे दो एक कप चाय। कितना भैया? 10 दे दो गुरु, एक चाय दे दो। तो चलिए बना दो फिर आता हूँ मैं। चाय अभी बन रही है, तब तक के लिए मैं बैठता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। मेरी चाय मैं ले लूँ एक? आ चुकी है मेरी चाय एकदम। इस चाय का जो कलर है ना यार, देख के ही मज़ा आ जाता है, पी के आए ना आए। सर यहाँ बैठिए। बिल्कुल बैठिए सर, बिल्कुल बैठिए। कैमरा? अरे यहाँ बैठिए, हमारे साथ बैठिए, क्या कमाल कर रहे हैं, बैठ सकते हैं आप। ऐतराज नहीं होगा? कोई ऐतराज नहीं सर, बैठिए। चाय कैसी बनी है? अभी तो पिए नहीं सर, अभी पिए, टेस्ट करिए कैसी बनी है। पी के कैसी लगी? पी के देख रहा हूँ अभी। आहा, मज़ा ही अलग है। इस चुभती तपती गर्मी में भी जो मेरी तरह के लोग हैं चाय को पसंद करते हैं, और वो भी ऐसे पीना, सी करके चाय पीना, वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं लाइफ साइंस में हूँ। आप लाइफ साइंस में? तो सर आप एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में? सर ये दाढ़ी कैसे रखे आपने, क्या किया इसको ऐसे? ये दाढ़ी ये तो अपने आप हो गई, ऐसे अपने आप हो गई, बनाया कुछ नहीं है, अपने आप हो गया, डिज़ाइन हो गया, मतलब एक अलग डिज़ाइन हो गया। नहीं नहीं बाल भी एकदम, लुक आपकी एकदम ज़बरदस्त वाली लुक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जब व्हेन आई एम डूइंग व्लॉगिंग वो आसपास से गुजरते हैं, देख रहे होते हैं, सोचते हैं कि बंदा अकेला शायद पागल है बात कर रहा है, बट हम उनको पता नहीं है भाई आपके भाई के पास इतना बड़ा ऑडियंस है, आप लोग सुनने वाले हो। अभी तो हमारे साथ ये लोग हैं, दिल वाले लोग हैं, आप लोग भी दिल वाले हो, मगर बहुत से लोग दिल जले भी हैं। भाई दिल जले मत बनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दिल वाले बनो और दिल वालों के साथ रहो। क्यों सर? बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम बनता है। चलिए सर मैं चलता हूँ, अभी मिलेंगे फिर आप लोगों से कभी। ओके सर, शुक्रिया बहुत बहुत। जय भीम, जय भीम, हुल जोहार। तो गाइस चलते हैं अभी नेक्स्ट। आप लोगों को ये बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, हम लोग देते नहीं हैं ध्यान। जैसे एक ये छोटी सी शॉप है, बिट्टू भैया की शॉप, जो JNU वाले लोग हैं उनको पता होगा, बहुत ही छोटी दुकान है, 2 बजे खुलती है दिन में और रात को 4 बजे के करीब जो है क्लोज होती है। अंदर देख लेते हैं। बिट्टू भैया कैसे हैं? वैसे यहाँ पे छोटा मोटा सामान मिल जाता है, आइस क्यूब्स वगैरह, सैंडविच वगैरह, बाकी और छोटा मोटा यार लेस चिप्स वगैरह मिल जाता है। छोटी दुकानों पे भी आया करो, आप लोग जाओ केसी से भी लो, बट यहाँ पे भी काफ़ी सारी ऐसी आइटम्स हैं जो आप लोग आके ले सकते हो और यूजफुल आइटम्स हैं। हर छोटी दुकान में ख़राब चीज़ें नहीं होती भाई, बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं। अगर छोटे लोगों का भी काम चल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है, छोटी दुकानों का भी काम चलना चाहिए। सो गाइस दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर JNU पीपल, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप भी मार्केट में जाते हो तो छोटे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो लोग जिनका धंधा ज़्यादा नहीं चलता है, कोविड लॉकडाउन की वजह से उनका धंधा और भी ज़्यादा ख़राब हो गया, उनके पास जाओ यार, वहाँ से भी सामान लिया करो। ओके तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, सलाम अलैकुम, दिस इज़ तारीफ, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। क्या है आज के व्लॉग में, टाइटल को देख के आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, मगर मैं इस हालत में नहीं चाहता कि आप लोगों को व्लॉग बताया जाए, कहीं आपका भाई अच्छी साफ सुथरी सीट लेता है और फिर आप लोगों को बताते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। ओके तो सीट मिल चुकी है मुझे एकदम कंफर्टेबल, अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंपॉर्टेंट थिंग इस वीडियो में यह है कि JNU की जितनी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ISA हो गया, चाहे वो NSUI हो गया, चाहे वो ABVP हो गया, BAPSA हो गया, DSF हो गया, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना एडमिशन के रिलेटेड हेल्प डेस्क खोल लिया है। उस हेल्प डेस्क में वो लोग हैं जो JNU के स्टूडेंट हैं, जो हर डिपार्टमेंट से कन्वीनर हैं, जो हर डिपार्टमेंट से क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, काउंसलर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, वो लोग एडमिशन असिस्टेंस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आप लोग उनसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ में वो सारी जो चीज़ें हैं, मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लोगों के जो नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जिन्होंने
ऑनलाइन क्लासेस भी देना स्टार्ट कर दिया है। वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे DSF एक ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, उन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया है जिससे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। वो ऑनलाइन क्लासेस अगेन रिपीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे दिया गया है उसका लिंक, आप लोग जाएँ वहाँ पर लिंक को क्लिक करके देख सकते हो। मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ कि जेएनयू में जब आप लोग आओगे ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रहेंगी। आप लोग हेल्प ले रहे हो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन भी करनी है। नो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। हेल्प लो, हमारा काम ये है फर्स्ट जेएनयू में आना। उस जेएनयू में आने के लिए आपको किसी तरह की हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए तो लेते रहो भाई, एकदम कलेक्ट करो। बाकी ना ही आप इस लिंक पर क्लिक करने से DSF के पार्ट हो जाते हो। जस्ट क्लिक करो और वहां पे जाके उनसे सीखो क्या बता रहे हैं। जेएनयू में आने के बाद आप लोग डिसाइड करना आपको किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, कहां जाना है, बट पहले आ जाओ जेएनयू के अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बहुत से स्टूडेंट अब मेरे से पूछ रहे थे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है, कब होने वाला है। भाई मैं एक बंदा हूँ, यही दो हाथ हैं, यही दो टांगे, कहाँ कहाँ चलूँ, सब जगह हो नहीं पा रहा है। मगर मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ये सारी चीज़ें बताने के लिए आप लोग इन लोगों से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनके फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दिए गए हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये लोग हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो वो। ये जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन आपको देंगे सारा, MA, MPhil, PhD सब चीज़ों का दे देंगे। यूजली मैं आप लोगों को जहाँ तक बता रहा हूँ मई में इंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता था, चाहे वो BA का हो, चाहे वो MA का हो, चाहे वो MPhil का हो, चाहे वो PhD का। मगर इस बार आपको पता है कोविड की वजह से जहाँ सब कुछ डिले हो गया तो एग्ज़ाम भी डिले ही हो गए। आने वाला होगा नोटिफिकेशन में भी, हो सकता है नेक्स्ट जुलाई के एंड तक आ जाए, बट अगेन इट्स अ र्यूमर, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं नहीं आप लोगों को एंश्योर कर सकता हूं कि जुलाई में ही होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बहुत से लोग मेरे से अभी भी पूछ रहे थे कि हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स पे वीडियो बनाना है। बिल्कुल भाई, आप लोगों के ख्यालात, आप लोगों के कमेंट्स मेरे दिल में हैं, बनाऊँगा जितना हो सके। आई एम ट्राइंग टू अरेंज पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे भी वो मेरे को मिल जाते हैं मैं आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद जब एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे उसके लिए भी मैं आप लोगों को सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा और इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप सब लोग प्रिपरेशन करते रहो, मेरी दुआएं, मेरे आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ हैं। मगर जाते जाते अपने भाई को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करो और मुझे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो करो। दिल वाले बन जाओ, खुश रहो। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सारे लोग अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।